हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द पंजाबन ब्यूटी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ महाराष्ट्रन ब्राइडल मेकअप लुक। और फर्स्ट टाइम मैं कोई ट्रेडिशनल ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ अपने चैनल पर। इससे पहले आज तक मैंने कोई भी ऐसी वीडियो शेयर नहीं करी है। और इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट करी थी उसमें भी मैंने ब्राइडल मेकअप लुक किया था, लेकिन वो ब्राइडल मेकअप लुक ₹10 था। वो एक चैलेंज वीडियो थी। सो अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वाला महाराष्ट्रन ब्राइडल मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। और जो भी मैंने एक्सेसरी वेयर करी है ये सारी की सारी DIY है, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला था। अभी जैसे ऑनलाइन भी कुछ नहीं ऑर्डर कर सकते हैं, तो मैंने सारा DIY ही रेडी किया है। और महाराष्ट्रन में ग्रीन कलर की बैंगल्स पहनी जाती हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी न्यूली मैरिड हूँ तो मैंने ये चूड़ा पहना है रेड कलर का, तो इसको मैं नहीं निकाल सकती थी, तो इसलिए मैंने बैंगल्स नहीं पहनी है। बाकी मैंने कोशिश करी है कि मैं पूरा मेकअप लुक सिमिलर करूँ जैसे कि महाराष्ट्रन ब्राइडल का लुक होता है। सो चलिए फिर फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि मैंने ये वाला मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। सो मेकअप शुरू करने से पहले मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ वादी हर्बल के मिंट फ्लेवर लिप बाम के साथ। और उसके बाद मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर फेशियल मॉइस्चराइजर। और ये मॉइस्चराइजर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं थियोलॉजी विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मेरी स्किन एकदम हाइड्रेट हो जाएगी और मेरा मेकअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोई लगेगा। सो सीरम अप्लाई करने के बाद मैं काफ़ी अच्छे से अपने फेस पर इसको स्प्रेड कर लूँगी। जब सीरम मेरे फेस में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है NYBA का प्राइमर। ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, हमारे स्किन पोर्स को ब्लर कर देता है और मेकअप को एकदम स्मूथ बना देता है। सो प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं सीधा फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन प्राइमर के एकदम बाद फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना है, कम से कम हमें 5 मिनट के लिए रुकना होता है। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ओलिविया का लिक्विड फाउंडेशन और डॉट डॉट करके पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करने के बाद पूना स्टोर के डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन के बाद मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है NYBA का लिक्विड कंसीलर इन द शेड 01। और इसको अप्लाई करूँगी अपने आईलिड पर, अंडर आई पर और जो भी मेरे फेस के हाईएस्ट पॉइंट हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। और कंसीलर को भी मैं सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अपने पूरे मेकअप बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे रोज़ पाउडर, और इसी की हेल्प से अपने पूरे मेकअप बेस को, कंसीलर को, फाउंडेशन को अच्छे से सेट करूँगी। और लास्ट में मैं अंडर आई पर पाउडर अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने आई मेकअप करना है और जो भी फॉल आउट होगा उससे मेरा फेस मेकअप ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़ को फिल कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के ब्राउ पाउडर की हेल्प से। उससे पहले मैं अपने ब्राउज़ को एक बार स्पूली की हेल्प से कॉम कर रही हूँ और उसके बाद एक स्मॉल एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपने ब्राउज़ को अच्छे से फिल करूँगी। लास्ट में एक बार फिर से स्पूली की हेल्प से ब्राउज को अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि मेरे ब्राउज बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक दिखाई ना दे। और अभी मैं आई शेडो के लिए मैंने ली है ये हिलेरी रोडा की आई शेडो पैलेट, और इसमें से ये वाले पिंक कलर को पिक किया है और इसको अप्लाई करूँगी मैं एज ए ट्रांजिशन शेड। और एक आई शेडो फ्लफी ब्लैंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से डिफाइन करके इसको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करना है और थोड़ा थोड़ा कलर लेके अप्लाई करना है, क्योंकि क्रीज लाइन का जो कलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडेबल होना चाहिए, तभी
तभी आपका मेकअप लुक अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद सेम पैलेट में से मैंने ये वाला ग्रीन कलर पिक किया है और इसको फिंगर की हेल्प से अपने पूरे आईलेट के ऊपर अप्लाई करूंगी। इसको मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ब्रश की हेल्प से उतना अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसको फिंगर की हेल्प से ही पूरे आईलेट के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करूंगी। उसके बाद जो हार्श लाइन है उसको मैं सेम ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सॉफ्ट कर दूंगी। उसके बाद उसी पैलेट में से मैंने ये वाला डार्क ग्रीन कलर पिक किया है क्योंकि जो मेरी साड़ी है वो डार्क ग्रीन कलर की है, तो इसलिए मैं डार्क ग्रीन कलर को अप्लाई कर रही हूँ। अपने आई के आउटर कॉर्नर पर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, लेकिन सेम वही प्रॉब्लम है, इस कलर की पिगमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं है कि ब्रश की हेल्प से अप्लाई हो अच्छे से, तो इसलिए यहाँ पर मैंने अपने ब्रश के ऊपर सेटिंग स्प्रे को अच्छे से स्प्रे किया है, तो इसी की हेल्प से मैं ये वाले ग्रीन कलर को पिक करके अपने पूरे आईलेट के ऊपर अच्छे से अप्लाई करूँगी। तो गाइस आप भी ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जब आपका कोई भी आई शेडो उतना पिगमेंटेड ना हो तो आप अपने ब्रश को मेकअप सेटिंग स्प्रे से वेट करके इस तरह से कलर पिक करके अप्लाई करेंगे तो उसकी पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। दोनों आईलेट पर सेम कलर अप्लाई करने के बाद मैंने ब्रश से ग्रीन कलर को पिक किया है और क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं। ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद सेम पैलेट में से ही मैंने ये वाला एक शिमरी ग्रीन कलर पिक किया है और इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलेट के सेंटर पर ताकि मेरी आईज़ काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन अप दिखे। वैसे भी गाइस जो भी स्पार्कलिंग कलर्स होते हैं आई शेडो के उसको हमेशा अपनी आई के सेंटर में ही अप्लाई करना चाहिए, तब आपका आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। और आईज़ को डेप्थ देने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ और एक पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से इसको अपने आई के आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करके अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ एक वी शेप में। और उसके बाद मैंने ग्रीन कलर को अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई किया है और उसके बाद सेम ब्लैक कलर को भी मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूं ताकि जो आई मेकअप है उसमें बैलेंस दिखाई दे। उसके बाद काजल के लिए मैंने लिया है NYBA का द बिग एप्पल ऑफ माय आई कोल काजल और इसको अप्लाई करूंगी अपने लोअर वाटर लाइन पर और अपर वाटर लाइन पर। उसके बाद मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूं जिसके लिए मैंने लिया है ब्लू हेवन का क्रेजी लिक्विड लाइनर और इसकी हेल्प से एक हल्का सा विंग ड्रॉ करूंगी। बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक आईलाइनर ड्रॉ नहीं करूंगी, सिर्फ एक सिंपल सा विंग लाइनर ड्रॉ करूंगी। देन मैं अपनी आईलैशेस को कर्ल कर रही हूं आईलैश कलर की हेल्प से और उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूं जिसके लिए मैंने लिया है मेबेलिन का असल वॉशेबल मस्कारा। मैं मोस्टली वॉशेबल मस्काराज ही यूज़ करती हूँ गाइस क्योंकि जो वाटरप्रूफ मस्काराज होते हैं वो हमारी आईलैशेस को हार्म कर सकते हैं क्योंकि वो जल्दी से रिमूव नहीं होते हैं हमारी आईलैशेस से, तो जब उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं ना तो आईलैशेस गिरने लगती हैं, तो इसलिए मैं वॉशेबल मस्कारा को ही प्रेफर करती हूँ। देन उसके बाद मैंने फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर ली और उसके बाद अपने आई मेकअप को और ज़्यादा ब्राइटन अप दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर और इसको अप्लाई कर रही हूँ अपनी ब्राउ बर्न पर और आई के इनर कॉर्नर पर। हमारा आई मेकअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, अब फेस मेकअप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है SFR का कॉन्टोर पैलेट और इसमें से ये वाले कॉन्टोरिंग शेड को पिक किया है और इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए। नोज़ को कंटोर करने के लिए मैं फिंगर का ही यूज़ करूँगी क्योंकि फिंगर की हेल्प से नोज़ अच्छे से कंटोर हो जाती है। देन मैं ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद ब्लशर के लिए भी मैं सेम पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ और इसमें से पिंक शेड को पिक किया है क्योंकि ब्राइडल के लिए पिंक ब्लश बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए एक ब्लश ब्रश की हेल्प से पिंक कलर को पिक करके मैं अपने फेस को ब्लशर कर रही हूँ। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैं एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से सेम वेट एंड वाइल्ड के हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस को हाइलाइट करने के लिए, जो भी मेरे फेस के हाईएस्ट पॉइंट है, ब्रिज ऑफ द नोज, चिक बोन्स, क्यूपिड्स बो, चिन एरिया, फोरहेड पर। और लिपस्टिक के लिए मैंने ली है ये शाय स्टाइल की लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड 05 योर बेब्स और ये एक काफ़ी अच्छा पिंक कलर है, तो मुझे इस मेकअप लुक के साथ ये वाला पिंक कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसी को ही मैच करके अप्लाई किया है। और उसके बाद मैं अपने पूरे मेकअप को अच्छे से सेट कर रही हूँ ADS के मेकअप फिक्सर के साथ। देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से सेट कर लेना है ताकि मेरा मेकअप इंटैक हो जाए क्योंकि ब्राइडल के लिए मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो गाइस ये है मेरा
फाइनल लुक जो गजरा मैंने अप्लाई किया है उनको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेजोन से, देन ज्वेलरी भी मेरी अमेजोन से ही है, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मैंने पहन ली है ये बनारसी ग्रीन कलर की साड़ी, जो कि महाराष्ट्रियन ब्राइड हमेशा रेड या ग्रीन कलर की बनारसी साड़ी ही पहनते हैं। और मैंने यहाँ पे महाराष्ट्रियन नथ भी वेयर करी है, इसको भी मैंने अमेजोन से ही बाय किया था। सो आई होप आपको आज का मेरा मेकअप लुक पसंद आया होगा, ये वाला महाराष्ट्रियन ब्राइडल लुक मैंने इसको जस्टिफाई किया होगा। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा नीचे कमेंट करके कि आपको मेरा ये वाला आज का लुक कैसा लगा है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब के बाद आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो चलिए फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।